सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के अंगोला में इस्लाम को प्रतिबंधित कर दिया गया है और सभी मस्जिदों को गिरा दिया गया है और वहां से मुसलमानों को भगाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका के इस देश ने मचाया कोहरा, पूरी तरह से इस्लाम को कर डाला बैन। अरब देश हुए गुस्से से पागल, मुसलमानों को धक्के मार कर निकाला जा रहा है देश से बाहर। मस्जिदों पर चढ़ाई जा रही है बुलडोजर, मदरसे छोड़कर भाग रहे हैं मौलाना। अंगोला बुरा, भारत को सीखना चाहिए हमसे, इस्लामिक आतंकवाद को रोकने का यही है सबसे अच्छा तरीका। हमास और इजराइल युद्ध के दौरान इस देश ने वायरल दावे के संदर्भ में डी फ्रैक टीम को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिली। 27 नवंबर 2013 को पब्लिश अल जजीरा की न्यूज के अनुसार अधिकारियों द्वारा मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के बीच अंगोला की सरकार ने देश में इस्लाम पर बैन और मस्जिदों को बंद किए जाने से इनकार किया। 2013 में ऐसी अटकलें थी मगर अंगोला ने इससे इनकार कर दिया था। डी फ्रैक के फैक्ट चेक से स्पष्ट है कि सोशल मीडिया यूजर्स का दावा गलत है।